मम्मी खाना खजाना चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम अलसी की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। अलसी की पिंडी बनाने जा रही हूँ मैं। यह हड्डियों के लिए ज़रूरी होती है, हड्डियों के फ़ायदा करती है, हाथ जिसके हाथ पर में दर्द होता है। मैंने एक कटोरी अलसी ली है। मैं इनको डायरोट्स कर लेती हूँ। गैस को मीडियम ही रखना है अपन को। इनको इसको जब तक डायरोट्स करना है जब तक ये चटकने की आवाज़ नहीं आ जाए। इनका हल्का हल्का कलर चेंज हो जाएगा। अगर हम ज़्यादा कलर ज़्यादा सेक लेंगे इसको तो ये स्वाद इसका स्वाद चेंज हो जाएगा। इसलिए देखिए मैंने रोस्ट कर ली है, इसका कलर चेंज हो गया है। मैं गैस बंद कर रही हूँ, इसको बाहर निकाले थे, ठंडी होने के लिए रख देती हूँ मैं इसको। मैं 2 चम्मच अजवाइन ले रही हूँ। दो चम्मच काली मिर्च, दो चम्मच सौंफ। मैं इनको भी ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। इनको भी गैस मीडियम रखनी है अपन को, हल्के से ड्राई रोस्ट करनी है इनको। इनको भी ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। काजू बादाम और खरबूजे के बीज, इन सबको ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। पूरी रेसिपी में अपन को गैस मीडियम ही रखनी है बिल्कुल। देखिए मैंने 1 कटोरी बादाम के डाली है, 1 कटोरी खरबूजा के बीज लिए, 1 कटोरी काजू लिए हैं मैंने, 1 कटोरी मैंने तीनों चीज़ ले ली है। मैं इनको सबको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। गैस को मीडियम ही रखनी है अपन को। मैं इनको हम इनको बाहर निकाल रही हूँ कढ़ाई से ठंडे होने के लिए। मैं 1 कटोरी मखाने ले रही हूँ, इनको भी ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। एक चम्मच घी डाल रही हूँ इसमें मैं। कर लेती हूँ मैं ड्राइवर्स। इनको तो अच्छे से सेकना है इनको अच्छी तरह से, क्योंकि नहीं अच्छे नहीं सीखेंगे तो दांतों में चिपकेंगे। ये लिया 1 कटोरी अलसी ली है अपन को, 1 कटोरी घी लेना है और 1 कटोरी बेसन लेना है, 1 कटोरी खांड लेनी है। चारों चीज़ें बराबर मात्रा में लेनी है अपन को। और आप मीठा पसंद ज़्यादा पसंद करते हो मीठा ज़्यादा भी ले सकते हो आप। देखिए गोंद को मैं घी में फ्राई कर रही हूँ। गोंद को रोस्ट नहीं कर सकते, गोंद को फ्राई करनी पड़ती है। 2 चम्मच घी में गोंद को फ्राई कर रही हूँ। इसको मीडियम गैस से फ्राई करनी है। तेज गैस से फ्राई करेंगे तो दांतों में चिपकने लग जाएगी, फूल भी नहीं पाएगी। देख रही है कितने अच्छे से फूल रही है, ये गोंद फूल गई है। गोंद को थोड़ी थोड़ी करके फ्राई करनी है, एक साथ फ्राई नहीं करनी। एक साथ फ्राई करेंगे तो कच्चापन रह जाएगा इनके अंदर। ये फ्राई हो गई है, मैं इनको बाहर निकाल रही हूँ। देखिए मैं 1 कटोरी बेसन लिया है मैंने, मैं घी में सेक रही हूँ इसको। इसे गैस मीडियम रखनी है बिल्कुल, स्लो गैस पे सेकना है इसको हमने। हमने चारों चीज़ें आइटम बराबर लिया है, घी बेसन अलसी खांड, चारों चीज़ों को बराबर लेना है बराबर मात्रा में। अब कम गैस पे इसको सेकना है मेरे को। छोड़ दिया है, बेसन का कच्चापन भी निकल गया है। अब इसमें अलसी पाउडर मिला रहे हैं। अलसी को मैंने बस मिक्सी की सहायता से पीस लिया है बारीक। मैं इस पाउडर को मिला रही हूँ इसके अंदर। अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं इसको। ये मिक्स कर लिया है मैंने। मैं इसमें किसमें डाल रही हूँ, किसी में इसका भी कच्चापन निकल जाएगा। 1 कटोरी किसमें डाल रही हूँ मैं इसमें। अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, इसका हल्का हल्का कच्चापन निकल जाएगा। देखिए मैं काली मिर्च अजवाइन सौंफ का पाउडर डालू, मैंने इनको दरदरा पीस लिया है। देखती मैं गोंद को भी दरदरा पीस, गोंद को बारीक पीस लिया था मैंने। गोंद को मिक्स कर रही हूँ इसके अंदर, इन सबको मिक्स कर रही हूँ मैं। देखिए मगज डाल रही हूँ, मगज को मैंने हल्का रोस्ट कर लिया था। मैंने मखाने काजू बादाम कर लिया था, इनको मैंने बारीक दरदरा पीस लिया है, इनको भी डाल रही हूँ मैं। इन सबको मिक्स कर लेती हूँ मैं। देसी खांड डाल रही हूँ, ये खांड देसी खांड डाल रही हूँ। इसमें हल्का मीठा होता है, जो मीठा कम खाते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होती है ये। और आप चीनी भी डाल सकते हो, चीनी को बारीक पीस के और सूप में डाल सकते हो आप। हवाई डाल रही हूँ मैं बराबर मात्रा में। 1 कटोरी में से घी बज रहा है, मैं बचाओ पूरा घी डाल रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि इसमें मेरे को लड्डू बनाने हैं इसके। अगर पंजीरी बनाओ आप, पंजीरी में कम घी लगता है, इसमें घी बचा सकते हो। पंजीरी बनाओ तो आप, मेरे को लड्डू बनाने हैं इसलिए मैं पूरा घी डाल रही हूँ इसके अंदर। और आप पंजीरी बना सकते हो, शाम को दूध के साथ खा सकते हैं, बहुत हेल्थी होती है, फायदे मजबूत करती है, हड्डी के लिए फ़ायदा होता है इसमें, कमजोरी दूर होती है इससे, बच्चे बूढ़े सब खा सकते हैं इसको।
मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ इनको। देखिए हमारे अलसी के लड्डू तैयार है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। और इनको रात को दूध के गिलास के साथ ही खाने हैं। एक गिलास दूध के साथ एक लड्डू खा सकते हैं आप, जिससे आपको ये हेल्दी लड्डू है, सेहतमंद के लिए फ़ायदा करेंगे।